देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। बिहार की पूर्णिया पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस की एक टीम ने छापेमारी कर हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस को 3 AK-47 राइफल, 2 UBZL गन समेत 1600 जिंदा कारतूस मिले हैं। हथियार और कारतूस लग्जरी गाड़ी की छत और साइलेंसर में छिपा कर रखे गए थे। पुलिस भी इतनी बड़ी संख्या में कारतूस और हथियार को देखकर दंग रह गई। हालांकि मामले की जानकारी देते हुए बिहार पुलिस के ADG मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने बताया कि पकड़े गए तस्कर आरा और यूपी के हैं। बरामद हथियार म्यांमार आर्मी के हैं, जिनकी पहचान हथियार पर लगे मार्का से हुई है। सफारी गाड़ी को रोका गया बयासी थाना द्वारा। उस गाड़ी में 600 राउंड जिंदा कारतूस 9.96 mm का बरामद हुआ। 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए, एक यूपी के रहने वाले थे, 2 नागा थे, नागालैंड के उखरूल के बासिंदे जो कि दीमापुर और उखरूल में बोलते हैं कि रहते थे। पुलिस के मुताबिक हथियार की सप्लाई नक्सलियों को की जानी थी। पुलिस ने जब रिमांड पर लेकर तीनों तस्करों से पूछताछ की तो उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि उनकी गाड़ी में अन्य अत्याधुनिक हथियार भी हैं। आपको बता दें कि पकड़े गए तस्करों का इतिहास काफी पुराना है और वो पूर्व बिहार के कुख्यात अपराधी मुकेश सिंह को ये हथियार बेच चुके हैं। तस्करों ने तब मुकेश सिंह को 4 AK-47 राइफल के अलावा 5000 जिंदा कारतूस भी दिया था। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन कर रही है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही, और अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।